Assalamu alaikum students, how are you all? Hope that you all are fine. Welcome to Twitter Online. Today we will understand the concepts of complementary angles and supplementary angles. So students, first of all, let's see what are the complement angles. Complementary angles. Students, complementary angles are aise angles honge, do angles aise honge, jinka sum aapke paas 90 degree bane. Let's suppose yahan pe example dikhai 25 or 65 ki. Ab jab in dono ko add karenge, to aapke paas aayega 90. सो इसका मतलब है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. इसी तरह से 30 और 60 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90. हर वो दो एंगल्स जिनका सम 90 आए वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. इसी तरह से ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 आए वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल है 130 और 50 की. सो जब भी आप इसको ऐड करेंगे तो 180 आएगा. सो इसका मतलब है कि ये कौन से एंगल्स है सप्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि इसका सम 180 आ रहा है. स्टूडेंट्स अगर 179 भी किसी का सम आता है तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते क्योंकि हमें 180 ही पूरा चाहिए. सो 180 जिन दो एंगल्स का सम आएगा वो कौन से एंगल्स होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. लेट्स सपोज यहाँ पे दूसरे एग्जांपल दी गई है 180 की. सो इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 180. सो ये कौन से एंगल्स हुए सप्लीमेंट्री एंगल्स. इसी तरह से तीसरी एग्जाम्पल दी गई है 120 प्लस 60. स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा 180. इसी तरह से कोई से भी दो एंगल्स जिनका सम 180 आए वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका सम 90 आए वो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. होप डैट यू अंडरस्टैंड इट. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो स्टूडेंट्स देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.